हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का. और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे. और चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने इस किचन गार्डन से, अपनी क्यारियों से, जिसमें आजकल ना देखिए लग चुकी है हमारी फ्रांस बीन, लगी हुई है भिंडी, लगी हुई है. तो बस मैं और श्रीमान जी, हम दोनों मियाँ बीबी आ गए हैं क्यारियों में और तोड़ने में लगे हुए हैं ये फ्रांस बीन और भिंडियाँ. एक्चुअली ना पीछे से बंदर जो है ना आकर इनको खा जाते, तो अभी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी इसमें फलियाँ, तो हमने सोचा अभी निकाल के रख लेते हैं, नहीं तो बंदर आते ना तो वो भी ठीक ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग तोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे तोड़ के खा जाते हैं सारी की सारी. तो इतनी मेहनत करके हमने इतनी सारी सब्जियां उगा रखी होती ना, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह से फसल बर्बाद हो जाती है ना. तो बस इसलिए हम सुबह इसको निकाल लेंगे, रख लेंगे. और अपने गार्डन में जो लगी होती है ना सब्जियाँ, उनमें कोई खाद नहीं होती है, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं है, केमिकल नहीं होता है, बहुत टेस्टी होती है सब्जी. बिल्कुल अगर बाजार की सब्जी हम लेकर आ रहे दूसरी तरफ इसको बनाए ना, तो इसका टेस्ट उससे कहीं गुना जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ी टेस्टी होती है. तो बस ये देखिए कितनी सारी जो है ना हमारी फ्रांस बीन लगी, और ये हमने तोड़ कर रख लिया फ्रांस बीन भी और भिंडियाँ. और फ्रांस बीन को तो मैं अभी बना लूँगी और भिंडियाँ मैं रख दूँगी. तो ये देखिए एक डोंगा मेरा निकल चुका है. तो काफ़ी मेहनत की है श्रीमान जी ने इन सब्जियों को इतना बड़ा करने में. गर्मियों में पानी की कितनी किल्लत होती है. और फ्रेंड्स, मौसम चलिए दिखाते हैं आपको. बाहर बादल आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आज बारिश हो जाए. और बादलों की जो स्थिति है ना उनको देखकर, और जब भी इस तरह के बादल आते हैं ना, तो श्रीमान जी का मन बिल्कुल जैसे मोर होता है ना उसकी तरह हो जाता है. जैसे मोर बादलों की गर्जना सुनकर अपने को काबू नहीं कर पाता ना नाचने से, तो ठीक वैसे ही जब इस तरह का मौसम बन जाता है तो श्रीमान जी भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते बांसुरी बजाने से. तो देखिए बाहर से आते ही ना बैठ गए हैं इसको पकड़ कर कि मैं पहले बांसुरी बजा लेती. फ्रेंड्स, जब तक श्रीमान जी देखिए अपना शौक पूरा कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, तब तक मैं आ गई थी किचन में. और फटाफट से देखिए फ्रांस बीन काट कर और आलू फ्रांस बीन की सब्जी मैंने रेडी कर ली है, ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया. क्योंकि सुबह सुबह ना देखिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं. और उसके बाद बस हम लोग पहुँच गए थे स्कूल. और देखिए दिन को ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी आज, और सुबह जो मैंने कहा था ना कि आसार बन रहे हैं, तो दिन को ठीक ठाक जो है ना बारिश हो गई थी. तो 3-4 बजे तक कंटिन्यू बारिश लगी रही, और उसके बाद फिर बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी. तो बस मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे. मैं कंटिन्यू बीमार चल रही थी, फीवर थे मुझे काफ़ी. और श्रीमान जी भी देखिए आ गए मार्केट से, सामान लेकर मार्केट भेजा था मैंने इनको. तो चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से कपड़े सूखने डाल देते हैं हम दोनों, और उसके बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे. और तब तक देखिए अभी हम कपड़े डाल ही रहे थे ना, तब तक हम मेहमान भी आ गए हैं देखिए. और ये एक्चुअली ना मेरा छोटा भाई है जो कि गुजरात में रहता है, और आजकल छुट्टी आया हुआ था घर, तो बस आज हमसे मिलने के लिए आया. और जब भी मेहमान आते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो लेकर आते ही हैं, तो वैसे ही ये भी देखिए हमारे लिए स्वीट्स लेकर आया है. तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ मुँह मीठा कर लीजिए, काफ़ी दिनों के बाद मेरा भाई आया है, तो उसी खुशी में आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए. तो भाई चलिए मिठाई ऋषि के पास आ गई है टेस्ट करने के लिए, इसी से पूछते हैं कैसी मिठाई है ये. भाई गुजरात से आई है तो ये. तो ऋषि को तो देखिए मिठाई खाने से ज़्यादा ना मिठाई के बारे में जानने की बड़ी चिंता फंसी रहती है कि मिठाई कहाँ से आई है, कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है. तो बस ये ना इस खाने के साथ साथ उसी में देखिए देख ही रहे ना आप कैसे जो है ना पूरे डब्बे को सर्च कर रहा है, क्या इसके ऊपर लिखा है, कहाँ से आई है, इसका एड्रेस पूरा डब्बे में लिखा होता है ना जो जहाँ की मिठाई है. तो बस तू मुझे बताता कि मम्मी ये देखो गुजरात से ही आई है, तो वो इसके लिए इसका मामू गुजरात से लेकर आया था. और देखिए जब तक मैं और ऋषि ले रहे थे मज़ा मिठाई खाने में, तब तक जो है श्रीमान जी अंदर ये लगे हुए हैं पूरा सामान रेडी करने में. तो सब्जी इन्होंने काट के रख दिया, मशरूम इन्होंने काट के रख दिया, मटर छील के रख दिए, साथ में ये फ्रूट सैलेड सब कुछ जो है ना इन्होंने कट करने में लगे हुए हैं. तो देखिए जब तक श्रीमान जी सैलेड वगैरह काट रहे हैं, फ्रूट्स काट रहे हैं, तब तक मैं सब्जी लेकर आ गई थी किचन में, आ गई हूँ डिनर की रेडी प्रिपेयर करने के लिए. तो फटाफट से मैं ना इसके लिए डिनर बना लेती हूँ. तो मैंने फटाफट से कुकर चढ़ाया और उसमें रेडी कर ली अपनी ग्रेवी. ग्रेवी मेरी अच्छी तरीके से रेडी हो गई थी, फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर लहसुन ऐड किया. तो जब भी मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है उसी के बाद ना मैं इस तरह से लहसुन ऐड करती हूँ, तो उसमें ना एक अलग जैसा फ्लेवर आता है कच्चे कच्चे लहसुन का थोड़ा सा. तो थोड़ा सा पकाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लगा लिया ताकि जो प्याज ना अच्छी तरह से मैश हो जाए, क्योंकि मैंने इसे ग्रेटेड तो किया नहीं है ना ही मैंने ग्राइंड किया है, मैंने मोटा मोटा काटा हुआ था. और उसको अच्छी तरह से पकाने के लिए मैश करना जरूरी रहता ताकि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बन जाए. और उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर ऐड कर लिया. मटर को थोड़ा सा रोस्टेड कर लूँगी, थोड़ा सा चलाने के बाद ना जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें मशरूम ऐड करने वाली.
तो मटर भी मेरे रोस्टेड हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया मशरूम। और आज ना मिल्क की जो क्रीम होती है, मलाई होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ उसको अगर हम इसमें ऐड करें तो बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत टेस्टी बनते हैं, बट वो था नहीं, फिर मैंने ऐसे ही काम चला लिया। इनको भी थोड़ा सा रोस्टेड करूँगी और उसके बाद जो है इसमें इनको चावल के साथ बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पानी भी लगा दूँगी और फिर फटाफट से मेरे मशरूम रेडी हो जाएंगे। और जब तक मेरे मशरूम रेडी होते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ आमलेट। तो आमलेट के लिए देखिए मैंने फटाफट से प्याज काटा थोड़ा सा और उसमें थोड़े से मसाले जो है मैंने ऐड किए, वो भी क्या किए मैंने ऐड क्या करती हूँ मैं उसमें जो धनिया पाउडर होता है ना वो ऐड करती हूँ, थोड़ा सा जीरा ऐड करती हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड किया। और उसके बाद फटाफट से एग तोड़े और उनको जल्दी जल्दी से फेंटूँगी अच्छी तरह से और फटाफट से आमलेट मेरा बन जाएगा। बट जब भी एग हम तोड़ें तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो बाहर का ये छिलका है ना, ये अंडे के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और फिर मैंने इनको बिल्कुल देसी घी के अंदर ये एग बनाया। देसी घी के अंदर हम जब ज़्यादा देसी घी बना डाल के जो है ना एग बनाते हैं, बहुत अच्छा फूला फूला सा एग बनता है। तो वो तो मेरा हो चुका है रेडी। और एग रेडी करने के बाद फिर ये जो अम्बू अम्बू ने बनाना है उसके लिए मैंने एक कच्चा आम और एक इसमें पक्का आम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी गैस के ऊपर कढ़ाई और उसमें तेल जो है गर्म हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हींग इसमें ऐड किया, उसके बाद लाल मिर्च और तेज़पत्ता, और उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाने के बाद ना फ्रेंड्स इसमें मैंने ऐड किया मीठी सौंफ, क्योंकि मीठी सौंफ से अम्बुए का टेस्ट दुगना हो जाता है। फिर इसमें जीरा मैंने ऐड किया, अजवाइन ऐड की और फिर मोटा मोटा ये जो मैंने चॉप किया है ना प्याज, वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। चाहे तो आप बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं, बट मैंने जो है ना इसमें मोटा मोटा कटा हुआ ही प्याज ऐड किया है। और चलिए तब तक बाहर मौसम दिखाती हूँ ना आपको, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम फिर से ख़राब हो गया है और मुझे लगता है ना सारी रात आज जो है ना बारिश रहने वाली है। स्ट्रीट लाइट भी बाहर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप ऑन हो चुकी है। तो चलिए जब तक हमने बारिश का मौसम देखा तब तक हमारा जो प्याज था ना वो भुन चुका था, ब्राउनिश हो चुका था। अब इसमें मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी हल्दी और हल्दी को थोड़ा सा पका लूँगी, उसके बाद फिर इसमें जो और मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो मसाले तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, बेसिक मसाले ही यूज़ करते हैं, जीरा, धनिया, अजवाइन और थोड़ी सी मैंने ना इसमें लाल मिर्च ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और साथ में लहसुन इसमें ऐड किया है। तो बस उसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे। भून तो चुका ही है, मसाला हमारा पक ही चुका है और थोड़ा सा ना इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए मैंने इसमें गुड़ भी ऐड कर दिया और गुड़ को मेल्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी के डालने से ना ये गुड़ ईजिली मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गुड़ ईजिली मेल्ट हो चुका है और प्याज भी ना पकना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी ताकि अच्छा सा ये घुल जाए। और उसके बाद ना फ्रेंड्स इसको अच्छे तरह से पकाने के बाद जब ये थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया ना, ब्राउनिश ब्राउनिश कलर आना शुरू हो गया, फिर मैंने इसमें ऐड किया जो मैंने पल्प रेडी कर लिया था, इसको मैश कर लिया था कच्चे आम और पके आम को। तो बस उसको जो है इसमें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से चलाना है और तब तक पकाना है जब तक ये काफ़ी वो ना हो जाए। थोड़ा सा नमक भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर लिया है और इसको चलाते रहना है काफ़ी। अगर थिक जैसा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, अगर थिक चाहिए तो आप थोड़ा इसमें थिक ही रहने दीजिए, थोड़ा सा पानी डालना चाहिए तो पानी डाल के भी इसको पकाया जा सकता है। और इसके बाद ये मेरी गुठलियाँ थी आम की, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, गुठलियों को खाने का मज़ा ही अलग सा हो। तो फ्रेंड्स जिस भाई के लिए देखिए कितने प्यार से ना मैं ये खाना बना रही हूँ, वो भाई मुझे ये कहकर चले गया कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ और लेट नाइट लौटूंगा तो मैं खाना अपने आप खा लूँगा, आप लोग खाना खा कर सो जाना। तो हम भी खाना खाकर फिर सो गए थे और फिर मॉर्निंग में उठकर जो है ना फिर उससे बातचीत हुई थी। और साथ साथ में देखिए श्रीमान जी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। और रात को ही बारिश लगी थी ना तो फिर मुझे कपड़े जो है अपने इस तरह खिड़कियों दरवाजों के ऊपर टांगने पड़े सुखाने के लिए, क्योंकि और हमारे पास जगह है नहीं है। तो फ्रेंड्स बारिश हमारे देखिए सुबह तक लगी रही और आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।